हाय, दिस इज जन्मेजय, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं आईआईटी पीएचयू का कैंपस टूर करने। पीएचयू बहुत बड़ा है और पीएचयू के अंदर ही आईआईटी पीएचयू का कैंपस है और यहाँ से शुरुआत होती है आईआईटी पीएचयू। तो अगर हम लोग इस गेट से सीधे अंदर जाते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर रोड पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और सीधे हम लोग हॉस्टल्स पर पहुँच जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक करके सारी चीज़ें। तो पहले हम लोग आ गए हैं आईआईटी पीएचयू के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर। तो ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और यहाँ साइड में एक मॉडल रखा है प्लेन का, जेट का। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के जस्ट सामने एक पॉन्ड है छोटा सा, सामने आप देख रहे होंगे। तो अब हम लोग डिपार्टमेंट्स की तरफ आ गए हैं, तो एक एक करके आपको सारे डिपार्टमेंट दिखाएंगे, सारी बिल्डिंग दिखाएंगे। तो सामने आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, क्लासेस यहीं लगती हैं, आगे लैब्स हैं। जितनी भी लैब्स हैं ना वो सारी वहाँ से लेके आगे तक पूरी लैब्स ही लैब्स हैं, रोड से ही कनेक्टेड हैं सीधा सीधा। जैसे ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है सामने, आज सारी बंद है तो, लेकिन आगे तक सारी लैब्स हैं। और वहाँ सामने आगे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है। वैसे हम लोग पीछे साइड से आए हैं, जो मेन बिल्डिंग है सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सब आगे साइड से। फ्रंट व्यू आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फ्रंट गेट, फ्रंट व्यू ऐसा है। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जस्ट सामने एक छोटा सा गार्डन है, घास आस लगी है, बैठने के लिए बढ़िया एरिया है। यहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था और यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू हो गया। तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लगती है और लैब्स भी, मेन गेट ये है। तो अब हमारा आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मतलब एक ही बिल्डिंग में पहले सिविल, मैकेनिकल और अब इलेक्ट्रिकल। तो अब हम लोग आ गए हैं कारपेंट्री शॉप पे, सामने है कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री शॉप के बगल में ये फाउंड्री शॉप है और ये मशीन्स लगी हैं, कुपल फर्नेस। ये आईआईटी पीएचयू का एनसीसी ब्लॉक है और इसके जस्ट सामने एनसीसी ग्राउंड है। ये एनसीसी ग्राउंड है। डिपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट साइड आईआईटी पीएचयू की लाइब्रेरी है, इसका नाम है श्रीनिवास देश पांडे लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और 140,000 के लगभग किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। तो आगे चलकर लेफ्ट साइड हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिलता है, इसमें क्रिकेट फील्ड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है और हॉकी ग्राउंड भी है। और राइट साइड वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस के कोर्ट्स हैं।
ये दूसरा ग्राउंड है आई टी बी एच यू का, एथलेटिक ग्राउंड है। ये लिम्बड़ी हॉस्टल है। तो हम लोग आ गए हैं आई टी बी एच यू के स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में। तो अंदर से दिखाते हैं आपको कि इस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में कौन कौन से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही जब हम लोग राइट साइड टर्न होते हैं तो हम लोग को सामने इंडोर बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिलते हैं। इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर टैगोंडो जिम और बॉक्सिंग रिंग भी है, चेस और टेबल टेनिस सेकंड फ्लोर पर है। तो अब हम लोग आ गए हैं आर्यभट्ट हॉस्टल पे। ये मोस्टली फर्स्ट ईयर वालों को अलॉट होता है। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको आर्यभट्ट हॉस्टल। ये हॉस्टल के बीच में दो बैडमिंटन कोर्ट हैं, बच्चे जब मन चाहे तब यहाँ खेलते हैं, मोस्टली रात में यहाँ गेम खेला जाता है। अब आपको आर्यभट्ट हॉस्टल का रूम दिखाते हैं। ये आर्यभट्ट हॉस्टल फर्स्ट ईयर वालों का अलॉट होते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर है ना जो आने वाली है, तो देख लीजिए आपका रूम कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से आपका रूम, और ये दो बेड डले होते हैं, अभी एक एक्स्ट्रा डाला है। वैसे दो बेड होंगे और दो टेबल, दो चेयर और दो वार्डरोब। सामने खिड़की है। वार्डरोब आपको खोल के दिखा देते हैं कि कितना स्पेस रहता है वार्डरोब में। एनफ स्पेस होता है कि आपका सारा सामान आ जाएगा, है ना। और वैसे मोस्टली तो आपका बेड और टेबल पर ही डला रहता है। रूम में दो ट्यूबलाइट्स हैं बड़ी बड़ी और एक फैन है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा। विंडो के उस तरफ भी दिखाई देते हैं कि क्या है, नहीं तो आप लोगों के मन में ही लग रहेगा विंडो के उस साइड नहीं दिखाया क्या था। तो कुछ नहीं है, घास फूस है, थोड़ा तो ओपन एरिया है, मतलब का नहीं है मच्छर भी आएंगे, लेकिन ये जो नेट दिख रही है ना इसकी वजह से बच जाएंगे मच्छर, अच्छे कीड़े नहीं आएंगे। तो बस इतना सा था हमारा रूम और सब कुछ दिखा दिया रूम में जो जो था। हॉस्टल के एंड में दो कैंटीन है, सामने आप दिख रहे होंगे, और दोनों में लगभग सब कुछ अवेलेबल रहता है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और काफ़ी सस्ते प्राइसेस पर। चाय तो मुझे इतनी पसंद है और यहाँ 6 रुपए की चाय मिलती है, तो मैं तो भाई जी भर के चाय पीता हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं मैस में, और खाना काफ़ी टेस्टी होता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों एकदम मस्त, मतलब पेट भर के खा सकते हैं और एकदम टेस्टी खाना होता है। यहाँ पर आगे चल के गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो अब मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।